हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं मुकेश चौधरी, आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही लग्जरी अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग। पीछे की तरफ आप जैसे देख रहे हैं, शानदार बिल्डिंग यहां पे बनी हुई है, बहुत ही लग्जरी यहां पे फ्लैट्स बने हुए हैं। आज हम 3 BHK फ्लैट का हम यहां पे टूर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां आपको सब फैसिलिटी मिलेगी। सामने की तरफ आप देख रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट यहां पे देखने को आपको मिलेगा, यहां पे पूरी फैसिलिटी आपको मिलेगी। स्विमिंग पूल यहां पे आपको मिलेगा, जिम वगैरह मिलेगा आपको, यहां पे पार्क वगैरह मिलेगा आपको, मतलब आप क्लब हाउस के नाम पे जो भी फैसिलिटी अगर अपन देखने को मिलती है सब फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही लग्जरी प्रीमियम तरीके से यहाँ पे फ्लैट बने हुए हैं। तो टूर करवाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपके जो वीडियो है ऐसी प्रॉपर्टी संबंधित वीडियो जो है हम अफोर्डेबल से लेके लग्जरी प्रॉपर्टी तक के वीडियो सब आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर एक बार अपन टूर करते हैं। टूर करने से पहले मैं एक बार बताता हूँ, देखो इधर की तरफ आप नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 4 टावर यहाँ बन रहे हैं, 3 टावर यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, 1 टावर का यहाँ पे काम चल रहा है। अपन एक बार अंदर की तरफ से चल के देखेंगे, जो बहुत ही बड़ा यहाँ पे फ्लैट बना हुआ है 3 BHK, जिसकी हम बात करने वाले। बालकनी वगैरह बहुत ही आलीशान उसकी बनी हुई है। एक बार अपन टूर करेंगे, अपन रेट और प्राइस के बारे में लास्ट में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, हमारे सलाहकार के नंबर मिल जाएंगे, आप उनको फोन करके सलाह ले सकते हैं और विजिट के लिए आप अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए एक बार अपन टूर करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि 3 BHK वाला हम टूर करने वाले हैं फ्लैट का, तो आइए एक बार कैमरामैन जी अंदर की तरफ। यहाँ पे आते बहुत अच्छी फीलिंग मेरे को यहाँ पे आ रही है। यहाँ देखिए एक बार, यहाँ पे लिविंग एरिया कितना शानदार, यहाँ सोफा जो है लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन यहाँ पे सोफा की गई है। टेबल भी एक बार आप नज़ारा दिखा दीजिए कैमरामैन जी, कितनी शानदार यहाँ पे टेबल लगाई गई। ऊपर की तरफ से एक बार झूमर का और इन सब का वुडन का जो यहाँ पे काम किया हुआ सबका एक बार नज़ारा यहाँ पे दिखा दीजिए। फिर इधर की तरफ हम देखते हैं, सोफा के सामने यहाँ पे गोल्डन जो है लुक दिया गया है, कितना प्यारा यहाँ पे जो है टीवी के लिए यहाँ पे अपना स्टैंड वगैरह का यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। इधर की तरफ अपन देखते हैं तो कुछ अपने एंटिक पीस के लिए यहाँ पे जगह दी गई है, बहुत प्यारी यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है। थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो इधर की तरफ आपको देखने को मिलेगी बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन है, यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा वगैरह की भी यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर अपन थोड़ा सा इधर की तरफ सामने की तरफ देखते हैं, अपन जैसे एंट्री के बिल्कुल सामने की तरफ, तो यहाँ पे दिखेगी आपको बहुत ही प्यारी बड़ी बालकनी का यहाँ पे आपको व्यू देखने को मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। अब अगर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे लिविंग के लिए यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स वगैरह और बीच में स्टूल वगैरह भी यहाँ पे दी गई है। सामने की तरफ अगर इधर देखते हैं अपन तो यहाँ पे डाइनिंग के लिए स्पेस जो है प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है। इसके डाइनिंग स्पेस के बिल्कुल सामने यहाँ पे टीवी पैनल दिया गया है, जो कि आप खाना खाते समय टीवी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। फिर अपन सबसे पहले एक रूम इधर की तरफ देखेंगे, तो रूम के अंदर अपन जैसे ही एंटर होते हैं बहुत प्यारा एक बार लुक आप दिखा दीजिए बाहर की तरफ से थोड़ा लंबा करके, बहुत अच्छा जो है मेरे बेड का डिज़ाइन और ये सब मेरे को बहुत प्यारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आइए कैमरामैन जी एक बार अंदर आके सब पार्ट्स को दिखा दीजिए। इधर की तरफ अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे टीवी पैनल यहाँ पे दिया गया है, टीवी पैनल के साथ साथ यहाँ पे जो है अपने सीनरी वगैरह रखने के लिए और ये सब चीज़ मैनेज करने के लिए बहुत प्यारी डिज़ाइन यहाँ पे की गई है। इधर की तरफ अपन देखते हैं तो बहुत प्यारा खूबसूरत सा सोफा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैठने के लिए। बेड के पीछे की तरफ डिज़ाइन की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी बहुत प्यारी लाइटिंग वगैरह की डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी। इधर जो है यहाँ पे विंडो आपके लिए दे दी गई है, विंडो आप देख सकते हैं इधर की तरफ से, व्यू आप पीछे की तरफ देख सकते हैं। इधर की तरफ अगर अपन देखेंगे इस रूम के अंदर तो यहाँ पे वार्डरोब्स आपको देखने को मिलेगी, जो भी सफिशियंट स्पेस में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वार्डरोब, स्लाइडिंग वार्डरोब जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अपन चलते हैं अब दूसरे वाले रूम के अंदर, दूसरे वाले रूम के एक बार अपन देख लेते हैं वो कैसा बना हुआ है। तो अब आ चुके हैं हम दूसरे वाले रूम में, एक बार कैमरामैन जी दिखाइए, बहुत प्यारा, वाह मज़ा आ गया एकदम, बहुत प्यारा ये रूम भी बहुत प्यारा बना हुआ है। इधर की तरफ अगर अपन देखते हैं कैमरामैन थोड़ा सा अंदर आके आप दिखाइए, इधर की तरफ अपन देखते हैं तो स्टडी टेबल यहाँ पे दी गई है, ऊपर की तरफ डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी प्यारी लाइटिंग के साथ डिज़ाइनिंग यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है। बेड का एक बार पूरा एक बार लुक दिखाइए, कितना प्यारा बेड जो है मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बेड के पीछे की तरफ जो डिज़ाइन है वो भी बहुत प्यारी यहाँ पे देखने को मिल रही है, साथ में जो लैम्प पड़ा हुआ है वो कितना ब्यूटीफुल लैम्प यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल बेड के सामने आपको टीवी पैनल देखने को मिलेगा, जिसकी भी वुडन की डिज़ाइन जो है बहुत प्यारी यहाँ पे की गई है। अगर इधर की तरफ अपन नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको वार्डरोब, स्लाइडिंग वाली वार्डरोब यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इस रूम में बेड के सामने की तरफ अगर अपन देखेंगे तो कैमरामैन जी एक बार इधर की तरफ लुक दिखाइए थोड़ा सा आके, इधर आपको लेट बाथ यहाँ पे देखने को मिलेंगे, टेस्ट लेट बाथ यहाँ पे जो है देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत प्यारे डिज़ाइन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आइए कैमरामैन जी अब अपन देखते हैं, अपन ने देखा 2 बेडरूम अभी तक, होल किचन, अब किचन अब हम सबसे पहले अपन देखने वाले हैं यहाँ पे। आइए एक बार अपन किचन का नज़ारा यहाँ पे देख लेते हैं, ये किचन का नज़ारा जो है वो भी मेरे को सफिशियंट स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इधर फ्रिज के लिए प्रॉपर यहाँ पे जगह दी गई है, साथ साथ में जो ये काम किया गया वुडन का बहुत प्यारा यहाँ पे काम मेरे को देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो है दोनों तरफ से जो यहाँ पे दिया गया किचन का, इधर और इधर दोनों पार्ट में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इधर बालकनी का स्पेस भी किचन में, पर्सनली बालकनी के लिए यहाँ पे, किचन के लिए यहाँ पे बालकनी आपको देखने को मिलेगी। फिर अपन इधर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमन लेट बाथ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बार कैमरामैन जी कॉमन लेट बाथ की तरफ थोड़ा सा नज़र दिखा दीजिए नज़ारा,
बहुत प्यारा स्पेस और बहुत प्यारा यहाँ पे नज़ारा मेरे को देखने को मिल रहा है। अपन चलते हैं मास्टर बेडरूम, जो सबसे बड़ा बेडरूम अपन ने अभी तक जो बेडरूम देखे थे लगभग 13x11 के आसपास के बेडरूम थे। एक बार इसका पूरा एक बार प्रॉपर स्लो तरीके से एक बार आप यहाँ का नज़ारा दिखाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस जो है यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। लगभग 14x12 का स्पेस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ यहाँ पे टीवी पैनल का स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है। वार्डरोब्स वगैरह का बहुत इसका वुडन का काम जो है बहुत प्यारा यहाँ पे किया गया है। पीछे की तरफ अगर अपन देखेंगे बेड के पीछे की तरफ, कैमरामैन जी अग्रवाल थोड़ा सा लुक दिखाइए, यहाँ पे डिज़ाइन बहुत प्यारा, छोटे छोटे जो पत्थर वाले जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऊपर की जो डिज़ाइन अगर अपन बात करेंगे तो झूमर और ये जो होल सीलिंग है जो बहुत ही प्यारा यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। ये वाली डिज़ाइन भी जो है कैमरामैन जी इस वाली डिज़ाइन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, बहुत प्यारी बेड के पीछे की तरफ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब वुडन का काम और बेड का काम, किंग साइज बेड है और बहुत प्यारा यहाँ पे बेड मेरे को देखने को मिल रहा है। साथ साथ में जो साइज़ की अगर अपन बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइज़ यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रही है इस रूम में। सामने की तरफ अगर अपन देखते हैं इधर की तरफ, तो ये कैमरामैन जी इधर की तरफ अपन देखते हैं, यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाती है आपको बिल्कुल एकदम सेपरेट। आप ड्रेसिंग के लिए ये प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं स्पेस। यहाँ पे स्लाइडिंग आपको जो है वार्डरोब्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। साथ साथ में एक बार इधर की तरफ आके आप एक बार लेट बाथ का नज़ारा भी एक बार दिखा दीजिए। बहुत प्यारा स्पेस यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट ये बना हुआ है। एक इस फ्लैट की जो सबसे एंटिक चीज़ जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अपन ने जैसे देखा बालकनी देखी, अपन ने जो अपन जैसे ही अंदर एंट्री हुई थी बिल्कुल सामने की तरफ अपन ने जैसे बालकनी देखी, फिर दूसरी बालकनी अपन ने देखी किचन के अंदर, अपन ने तीन रूम देख लिए अभी तक। अब सबसे जो प्यारा पार्ट जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है बालकनी वाला। इधर की तरफ जो है बालकनी एकदम आपको घर मतलब बिल्कुल इंडिविजुअली मकान जैसी आपको फीलिंग यहाँ पे आने वाली है। बिल्कुल कितना शानदार ब्यूटीफुल यहाँ पे जो है आपको बालकनी देखने को मिलेगी। इतना बड़ा स्पेस बालकनी का आपको मतलब कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। आइए एक बार कैमरामैन जी पूरा इधर की तरफ आके दिखाइए कितना बड़ा स्पेस जो है बालकनी का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बसावट की भी अगर अपन बात करते हैं तो इधर की तरफ आप जैसे नज़र डालेंगे तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत अच्छी बसावट है यहाँ पे। वैशाली स्टेट में हम लोग खड़े हैं, बहुत प्यारा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छा जो है इस जगह का जो सबसे अच्छा मेरे को जो पॉइंट लग रहा है वो ये कि बालकनी इतनी शानदार यहाँ पे दी गई है कि एकदम यहाँ पे रहने वाले इंसान को ऐसे कभी फील ही नहीं होगा कि हम अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में रह रहे हैं। उसको लगेगा कि एकदम इंडिविजुअली विला के अंदर अपन यहाँ पे रह रहे हैं। तो बहुत प्यारा जो है नज़ारा मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बाकी आपने देखा कि लगभग इसकी साइज़ की अगर अपन बात करें तो साइज़ इसकी हो जाती है लगभग 2600 स्क्वायर फीट के आसपास की साइज़ हो जाती है। और अगर अपन प्राइस की बात करें तो इसका जो एज इट इज जैसे बना हुआ फुली फर्निश उसकी 25 करोड़ रुपये यहाँ पे प्राइस रखी गई है। बाकी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, हमारे सलाहकार के नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फोन कीजिए, कॉल कीजिए, हमारे सलाहकार सलाह लीजिए और अपॉइंटमेंट मतलब विजिट के लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।